कौन सा? रातें बीत गई, नींद के क्षण को आकुल व्याकुल। कैसा भयानक सपना था, दो भयानक विकराल हाथ, हजारों पुरुष स्त्री वृद्ध बालक युवजन, हजारों मुंह हजारों शरीर, किंतु हाथ केवल दो, भयानक विकराल प्रचंड क्रूर डरावने दो हाथ, जिनकी लोह उंगलियां गले को चकराती जा रही थी मानो सांसों की धार। अब रुकी, अब रुकी। श्री कंस भगवान भयभीत हो गए, जिस नींद के लिए तरस रहे थे, ललाई थे, अब उसकी कल्पना मात्र से रोमांच डर कपकपी। वही बंशी की ध्वनि भयानक काल को चीरती। हमने अभी अभी फिर वही बंशी की ध्वनि सुनी कहीं राजमहल में। हमें लगता है युवक विद्रोही कृष्ण यही कहीं राजमहल में छिपा हुआ है। सेनापति प्रद्योत से कहो कि उसे बंदी बनाकर हमारे सामने लेकर आए। अभी जाओ। जी महाराज। कहां से आरंभ होती है यह कथा? एक साधारण मनुष्य की असाधारण महत्वाकांक्षा की कथा, एक साधारण मनुष्य के भगवान बनने की कथा, एक धड़कते हृदय के तपते लहू के ठंडे होकर धीरे धीरे पत्थर की तरह जमने की कथा, तिल तिल कर क्षण क्षण मरने की कथा, जीवित ही मृत्यु वरण की कथा। पुत्र कंस,
जी पिता महाराज। तुम्हें कौन सा हथियार सबसे अधिक प्रिय है? हमें तलवार, धनुष बाण, भाला, शूल, वज्र, गदा। उत्तर दो। पिता महाराज, हमें वीणा अधिक प्रिय है। वीणा? हाँ वीणा। अरे हम तलवार, धनुष बाण, वज्र की बात कर रहे हैं, वीणा नुपुर की नहीं। मेरा यह पुत्र तो पुरुष के वेश में स्त्री है। स्त्री? कब सुना था यह अट्टहास? वर्षों पहले, युगों पहले, किंतु आज भी हमें ये वैसा ही सुनाई देता। व्यंगमय तिरस्कार भरा, रोम रोम का अपमानित लांछित करता था वैसा। किस चिंता में डूबे हैं महाराज कुमार? स्वाति तुम विचार मग्न, तो तुम और सुंदर लग रहे हो। हम सुंदर हैं स्त्रियों की तरह, स्त्रियों से अधिक। हम पुरुष नहीं लगते? क्या हमें पुरुषों जैसे गुणों का अभाव है? नहीं तो क्या पुरुषत्व का अर्थ केवल क्रूरता है, निर्ममता, हत्या, वध, रक्तपाती पौरुष के प्रतीक हैं? नहीं तो क्या सुंदर होना स्त्रीत्व का लक्षण है? नहीं। तुम झूठ कहती हो। मैं सच कह रही हूँ। तुम सच कह रही हो तो क्या हमारे पिता मथुरा के महाराज उग्रसेन झूठे हैं? क्या मथुरा के सभी राजपुरुष झूठे हैं? राजमहल का साधारण द्वारपाल तक इस सच को जानता है, वसुदेव इस सच को जानता है। वे सच ना जानते होते तो क्या हम हंसते? भरी सभा में राजा से लेकर प्रतिहारी तक हमारा उपहास करते? वे सब सच बोलते हैं, तुम ही झूठ बोलकर हमें बहला। मैं सौगंध खाती हूँ। मत खाओ झूठी सौगंध, झूठ के पैर मिट्टी के होते हैं, सच की पहली बार में बह जाएगी। मत खाओ झूठी सौगंध। कंसमूर्ख है निपट मूर्ख, पुरुष वही है जो हत्या करे, रक्तपात करे, हिंसा की हुंकार में जीवन संगीत ढूंढे, निर्मम, क्रूर, अंधा, बहरा, ऐसा होता है पुरुष। हम ऐसे पुरुष क्यों नहीं है स्वाति? क्यों दूसरों को दुख में देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं? क्यों दूसरों को कष्ट में देखकर हम करुणा से भर जाते हैं? क्यों दूसरे की पीड़ा देखकर हम स्वयं रोने लगते हैं? क्यों है हम ऐसे दुर्बल? ये दुर्बलता नहीं है कंस, हम जन्म से ही कुछ ऐसे हैं। हम सदैव सपने देखते हैं उस संसार के जिसमें बर्बरता नहीं होगी, मनुष्य को मनुष्य से करुणा होगी, ममता होगी, मेरी एकांत संगिनी वीणा का संगीत होगा, पुष्प होगी, सुगंध होगी, ऐसा होगा ये युग। कंस, हाँ? तुम इस युग से बहुत आगे के हो, किंतु हमें इस युग में ही जीना है। ये बूढ़ा आकाश साक्षी है, हम इस युग में जन्मे, इसी युग में जिएंगे। जिन्होंने हमारा उपहास उड़ाया है उनकी आकृति से हम हंसी नोच लेंगे। विद्रूप से तेरे होठों पर जब पश्चाताप का रक्त गिरेगा तब हमारा दहता हृदय ये ठंडा होगा। ऐसा मत कहो, मुझे डर लगता है। डर लगता है? महाराज उग्रसेन के मनोरंजन के लिए राजपुरुषों का जमाव था, वही एक निरीह बकरा था, महाबली, महापराक्रमी यादवों के मनोरंजन का साधन। महाराज की आज्ञा पर वसुदेव ने 100 पग की दूरी से बकरे की दाइयां पर तीर मारा, वो निशाने पर लगा, रस्सी से बंधा बकरा अपने स्थान पर उठा, फिर वहीं गिर पड़ा। एक कभी चीफ यादव शौर्य की तालियों की गड़गड़ाहट के और गर्वोन्नत वक्ष से मंडित वसुदेव ने सबको देखा। तभी महाराज ने आदेश दिया कि महाराज कुमार कंस भी स्वपद से बकरे की दाई आंख भेदकर धनुर्विद्या में निपुणता प्रदर्शित करेंगे। एक पागल तमाशे की पुनरावृत्ति की आशा, वही हर्ष का तुमुलनाद। हमने तीर से निशाना लगाया उस बकरे की बाई आंख के लिए, कुछ क्षणों तक नीरव मौन, किंतु वे नीरव क्षण कितने मुखर थे।
स्वाति उस निपट मौन ने हमसे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? रस्सी से बंधा वो बकरा जिसकी दाई आंख से रक्त गिर रहा था, निरीहदीन आर दृष्टि से हमें देख रहा था। हमने उसकी बाई आंख में भी रक्त के आंसू बहते देखे, सच हमने उसकी बाई की आंख में भी लहू के आंसू देखे। हमारे बाण लगने से पूर्व ही उनसे रक्त गिर रहा था, हमने देखा। कदाचित ऐसा हमें लगा इस मरे हुए से पशु को मारने वाले हम भी क्या पशु नहीं है? ये कैसा पागलपन है? हमने कमान से तीर उतार दिया। सैकड़ों आंखें हमें एक टक ढूंढने लगी, उनकी आंखों के प्रश्न हमें हजारों कांटे से ढूंढने लगे। हमसे ये नहीं होगा पिता महाराज, हमसे ये नहीं होगा। हमने पिता महाराज से कहा, हम जानते थे। पिता महाराज के स्वर में जैसे तिरस्कार और घृणा की बात थी। तुम स्त्रियों के कंकड़ पहनकर वीरा बचाओ, ये पुरुषों के खेल, तुम्हारे जैसे त्रैण पुरुष के भूते के नहीं। अपमान, तिरस्कार, लाछन, मोर, बर्बर, पशु। क्यों है इतने दुर्बल? स्वाति, हम अपनी नियति देख रहे हैं, वो दिन के उजाले से स्पष्ट है। वो देखो, वो देखो, अगणित शवों के ढेर जैसे कटे हुए बकरों के सर, आकाश मूर्ति झीलों के भयानक भवन, किसी गिद्ध की चोच में किसी बालक के अबोध नयन, किसी स्त्री के उजले वक्ष से रक्त रिश्ता मांसखंड, किसी शक्तिशाली भुजाओं में चोच करती गिद्ध की चोच, धरती से ऊंची और ऊंची हिंसक लपलपाती जलती आग की लपटे, आकाश से टूट टूट कर गिरते अंगारे, शोर कोलाहल पत्थर, यही है कंस की नियति। हमारी नियति हमें पुकार रही है स्वाति, हम जा रहे हैं। कंस सुनो, कंस रुक जाओ, लौट आओ कंस, लौट आओ कंस। लौटने के सब मार्ग हमने स्वयं ही नष्ट कर दिए हैं। अब तो इतनी दूर चले आए हैं, इतनी दूर कि लौटने का साहस भी नहीं कर सकते। इस दुर्गम कटीले पथ पर चलते चलते पैर छलनी हो गए और उनसे रक्त रक्त के साथ विश्व विजय की मधमाती आकांक्षा भी चूर चूर हो गई है। अब बचा है तो केवल कालान, शांत, थका, पराजित कंस, अपनी उपलब्धि के शिखर पर चढ़ा अकेला, बिल्कुल अकेला। भगवान, महाराज उग्रसेन को बंदी बना लिया गया है, ले आओ उन्हें यहां पर। कंस? कंस नहीं पिता महाराज, महाराजाधिराज कंस। पिता महाराज, आपने वसुदेव का विवाह देवकी से कराकर उसे हमारे स्थान पर आप मथुरा साम्राज्य का राजा बनाना चाहते थे। कंस, त्रैण पुरुष, भय से कपड़े गीले करने वाला ये कंस, पिता महाराज आज आपके प्राणों का नियामक है। हमने सौगंध खाई थी कि एक दिन आपके विद्रूप से तेरे होठों पर क्षमा याचना होगी, आज वो दिन आ गया है। चलिए पिता महाराज, क्षमा मांगिए। सुना नहीं आपने? क्षमा मांगिए, घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर हमसे क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए। लगता है महाराज गूंगे हो गए हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये आपने क्या किया? हम कब से क्षमा की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप हमारे सामने क्षमा याचना में झुके। कितनी ही बार कल्पना में क्षण को भोगकर हम आनंदित हो चुके हैं और इस सपने को सच करने के लिए कितनी निद्राहीन रातों में जगे हैं आपको पता है। ले जाओ इन्हें यहां से। तब हम शायद
इतने नहीं, 5 या 6 वर्ष के थे। हमारे पिता हमें अपने साथ घोड़े पर बिठाकर वन में ले गए। वहीं बीच जंगल में सरोवर किनारे घोड़ा बांधकर वे उड़ती चिड़ियों और मछलियों को अपने बाणों से भेदने लगे। सूर्यास्त के साथ अंधकार घिरने लगा। पिता महाराज बहुत प्रसन्न थे, बहुत बहुत प्रसन्न थे। वे मदिरा के 2-3 प्याले गले से उतारकर हमारे पास आए और उन्होंने हमसे कहा, कंस जी, पिता महाराज, तुम राजमहल अकेले जा सकते हो? हाँ, मार्ग जानते हो? यहाँ जाने वाला मार्ग सीधा मथुरा ही तो जाता है, यहीं से तो हम आए हैं। शाबाश, अच्छा तो हम उधर ही जा रहे हैं, तुम अकेले आ जाओ। अकेले क्यों, डर लगेगा? तुम डरते हो? नहीं पिता महाराज। शाबाश, भोजकुल के यादव जन्मजात वीर होते हैं, दोहराओ हमारे साथ। भोजकुल के यादव जन्मजात वीर होते हैं। भोजकुल के यादव जन्मजात वीर होते हैं। हम अपनी जगह जड़ हो गए। पिता महाराज अपने अंगरक्षकों के साथ घोड़े पर बैठकर राजमहल की ओर रवाना हो गए। घोड़े की टापों के स्वर हमारे अंतर बहुत अंतर गहरे भय का संचार कर गए। भयानक घनघोर वन, उस वन में हम अकेले, भयानक विकराल वन। हर वृक्ष के नीचे अंधेरे में छिपा नरभक्षी से प्राणघाती भालू, शरीर की हर शिरा भय से कांपती हुई, झंझनाती हुई। हम अपने हृदय की धड़कन सुनते भयभीत स्तब्ध से मथुरा के राजमार्ग पर आगे बढ़ने लगे। तभी थोड़ी दूर अचानक पिता महाराज वृक्ष के पीछे से सामने प्रकट हुए। पिता महाराज, हमें छोड़कर मत जाइए। ये क्या किया? वस्त्र गीले, दूर हटा। पिता महाराज, हमें छोड़कर मत जाइए। हम वस्त्र गीले नहीं करेंगे पिता महाराज। पिता महाराज, हमें छोड़कर मत जाइए। हम भयभीत हो गए हैं पिता महाराज, हमें छोड़कर मत जाइए। हम वस्त्र गीले नहीं करेंगे पिता महाराज, हमें छोड़कर मत जाइए। अब बहुत कल के वीर यादव है, बहुत कल का वीर यादव है पिता महाराज। मथुरावासी हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। हम चाहते हैं तुम उन पर नजर रखो, विद्रोहियों पर नजर रखो। सभी शत्रु हैं। जाओ जी। यदि प्रद्योत स्वयं षड्यंत्र में शामिल हुआ तो स्वाति, सत्ता के शिखर पर हम अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। तुम्हारा प्रेमी कंस यहां बनती है, कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर विश्वास कर सके। सभी सत्ता धन अधिकार के लालच में हमारे अपने बने हुए हैं, सब सब सब। हम चाहते हैं तुम हमारी सहायता करो। हमें शंका है कि प्रद्योत विद्रोहियों से मिला हुआ है। हम चाहते हैं तुम उससे विवाह कर लो। ये क्या कह रहे हो कंस? हमारा अर्थ है तुम उस पर दृष्टि रखकर पल पल की सूचना हमें देती रहो। हम विवश हैं स्वाति। रलम जी, भगवान, तुम हमारे मंत्री हो, विश्वसनीय,
तुमने कहा था कि मथुरा में भविष्यवाणी हुई है, क्या कहा है ज्योतिषी ने, हमें बताओ ज्योतिषी ने क्या कहा है? वसुदेव देवकी का नवा पुत्र कंस का विनाश करेगा। क्या कहा है? वसुदेव देवकी का आठवां पुत्र कंस का विनाश करेगा। आठवां ना, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ एक दो तीन चार पाँच छह, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, ये आठवां, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, अब ये आठवां, कोई भी आठवां, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठवां पुत्र या आठ में से कोई एक, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, 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 आठवां पुत्र या आठ में से कोई एक, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, 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 कौन है तारणहार, कौन है तारणहार? मथुरा साम्राज्य में जीवन और मृत्यु भी हमारे हाथ में है। हमने देवकी को जीवन दान दिया, हम चाहते तो उसकी हत्या कर सकते थे, किंतु हमने उसे जीवन दान दिया। तारणहार, मथुरा साम्राज्य में जीवन और मृत्यु के नियंत्रक हम महाराजा अधिराज कंस, हम चाहें तो धरती के ढेले को उठाकर आकाश का तारा बना सकते हैं, आकाश के तारों को नोच कर धरती में रौंद सकते हैं। हमारे तेज और औज से शत्रु ऐसे कांपते हैं जैसे आंधी में पत्ते, हमारी सेना की गगनभेदी हुंकार से इंद्र का सिंहासन हिल जाता है। सर्वपूजी सर्वशक्तिमान हम महाराजा धीराज कंस, कौन है तारणहार, कौन है? भगवान श्री कंस, भगवान श्री कंस तारणहार। घोषणा की जाए कि अब से मथुरा साम्राज्य में केवल भगवान श्री कंस की उपासना होगी, केवल भगवान श्री कंस की। जो भी इस आज्ञा की अवहेलना करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। सभी भक्तों को भगवान श्री कंस अपनी अनुकंपा से इस लोक और परलोक में सुख संपत्ति और समृद्धि प्रदान करेंगे। उस रात भी ऐसी ही काली रात थी, हाथियों से उमड़ती काली घटाएं आकाश के तारों को लीरती जा रही थी, सब कुछ हिल रहा था, धरती थरथरा रही थी, लग रहा था पृथ्वी के हृदय की पीड़ा अपनी छटपटाहट से सब कुछ नष्ट करने को उतारू है। या ये सृजन की छटपटाहट, पृथ्वी की प्रसव पीड़ा वैसी ही जैसी प्रसव पीड़ा से देव की करहा रही थी, आठवें पुत्र को जन्ने की पीड़ा, श्री कंस के काल को जन्ने की पीड़ा। हमारा काल वसुदेव देवकी का आठवां पुत्र, ये तो कन्या है, ये तो कन्या है, कन्या आठवां पुत्र या आठ में से कोई भी है, मतलब आठवां पुत्र या आठ में से कोई भी है। महाराज प्रेम और युद्ध में कोई मर्यादा नहीं होती, सुना तुमने? प्रहलाद ने कहा प्रेम और युद्ध की कोई मर्यादा नहीं होती, प्रहलाद ने कहा प्रेम और युद्ध की कोई मर्यादा नहीं, लेकिन हम इसे नहीं मानेंगे, प्रेम और युद्ध की कोई मर्यादा नहीं, प्रेम और युद्ध की कोई मर्यादा नहीं होती, प्रेम और युद्ध की कोई मर्यादा नहीं होती। और बोली तुझे मारने वाला जंग के बाद कहीं और भेज दिया गया है, तुमने सुना प्रद्योत? तुमने सुना स्वाति? तुम्हें सुनाई दी वो आकाशवाणी? भगवान गोकुल ग्राम के सूर्यवंशी नायक नंद के पुत्र को यादव जन अवतार समझ रहे हैं। नंद के पुत्र स्वाति, क्या तुम हमारी सहायता कर सकती हो एक अंतिम बार? यही मथुरा के निकट एक ग्राम है गोकुल, वहां के नायक नंद के पुत्र कृष्ण को यादव विष्णु का अवतार समझ रहे हैं, वर्षों से कंस के विनाश के लिए झूठी अवतार वाली आशा पे विश्वास कर रहे हैं। कंस के निर्मम क्रूर अत्याचार से पीड़ित जन वर्षों से किसी झूठी भविष्यवाणी को सच मानने के लिए तैयार बैठे हैं। मूर्ख जन सब मूर्ख,
बातें? लोगों के इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए तुम्हारे कहने पर मथुरा राज्य के कितने ही शिशुओं की हत्या करवा चुकी हूँ। लोगों ने ये तो कहना शुरू कर दिया है कि स्वाति राक्षसी है। नहीं स्वाति नहीं, उसके बड़े बड़े दांत, उसके बड़े बड़े नाखून है। तुम्हें पता है कल उन्होंने मुझे नया नाम भी दिया है। स्वाति मुझे माफ कर दो। पूतना। नहीं स्वाति। पूतना। पूतना। स्वाति। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम्हें सुखी देखने के लिए किया। हम जानते हैं स्वाति, हमें क्षमा कर दो, हम जानते हैं। अपने बच्चों को ठहराने के लिए क्या तो माताएं कहती है कि पूतना आ गई और बच्चे भयभीत होकर बाकी गोद से चिपक जाते हैं, वो मुझे पूतना कहते हैं। घर स्वाति हमें माफ कर दो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। कुछ ठीक है कंस, स्वाति कृष्ण का विनाश करने स्वाति स्वयं जाएगी। हम विवश हैं स्वाति, ये खेल है और इस खेल के नियमों से हम सब बंधे हैं। कदाचित ये नियम ही तो खेल होते हैं। कंस का अत्याचार करना और मूर्ख जनता का अत्याचारों से छुटकारा पाने का सपना देखना, हम दोनों ही इस खेल से बंधे। खेलना हम दोनों की ही विवशता है और ये खेल तब तक चलेगा जब तक हम दोनों हैं, और ये खेल तब तक चलेगा जब तक हम दोनों में से कोई एक ना रह जाए, कोई एक। जितने भी कृष्ण जन्म लेंगे उनका विनाश कंस की विवशता है, यही इस खेल की शर्त है और यही हमारी नियति। महाराज, नंद के पुत्र ने स्वाति की हत्या कर दी है। एक बालक स्वाति को कैसे मार सकता है? एक बालक स्वाति, क्या हर अत्याचार एक आत्मनिंदा है? क्या हर हत्या एक आत्महत्या है? आकाश में उड़ती चीलों के भयानक भंवर, किसी गिद्ध की चोट में किसी बालक के अबोध नयन, किसी स्त्री को जले वक्ष से रक्तिक समाखंड, किसी युवक की भुजाओं में छेद करती गिद्ध की चोट, अगर इस शवों के ढेर और उसके नीचे नितांत नीचे एक शव, कंस का शव। हम भयभीत नहीं है कृष्ण, हम भयभीत नहीं है, हम भयभीत नहीं है, हम किसी से नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते, हम भयभीत नहीं है, हम भयभीत नहीं है, हम भयभीत नहीं है किसी से नहीं डरते। हमारी इच्छा आदेश है, हमारा आदेश नियम, जो भी हमारे विरुद्ध कदम उठाएगा उसका सर काट दिया जाएगा, जो आग दिखाएगा उसकी आग नोच ली जाएगी। हम आजाद हैं, हम अपराजय हैं, हम